हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल डायनेमिक एज में। वेलकम टू द डायनेमिक एज। और आज हम बात करेंगे रतन जोत के बारे में। यह क्या होता है, इसके क्या क्या लाभ है, यह किस किस काम में आता है तथा भविष्य में यह मेडिकल तथा साइंस के क्षेत्र में किस तरह लाभदायक साबित हो सकता है। तो बिना किसी देरी के, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, चलिए शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन। दोस्तों, आप में से बहुत से लोगों ने रतन जोत के बारे में सुना ही होगा या रतन जोत को अपने घर में उगाया होगा, लेकिन आप लोगों में से बहुत से लोग इसके फ़ायदों के बारे में नहीं जानते होंगे। आज हम इसी बारे में बात करेंगे। रतन जोत का मुख्य रूप से प्रयोग औषधीय रूप में होता है, जिसमें इस औषधि का उपयोग गठिया, त्वचा, अल्सर आदि कई बीमारियों के उपचार के रूप में किया जाता है। रतन जोत का साइंटिफिक नाम जट्रोफा कर्कस है। इसका प्रयोग बायोफ्यूल के रूप में भी किया जाता है, जो कि बहुत ही बड़ी बात है। रतन जोत या जट्रोफा का बायोफ्यूल के रूप में प्रयोग भारत में सर्वप्रथम 27 अगस्त 2018 को एम्बोबार्डियर Q400 एयरक्राफ्ट में हुआ था, जिसमें 25% बायोफ्यूल और 75% तक एयर टर्बाइन फ्यूल की मात्रा थी। बायोफ्यूल में जट्रोफा के बीजों का प्रयोग किया जाता है। इन बीजों में से 25 से 30% तक ऑयल निकाल लिया जाता है, जिस ऑयल से बाद में बायोफ्यूल बनाया जाता है। इन्हीं कारणों से इस पौधे की मार्केट में मांग बढ़ी है और कृषि में इसका प्रसार भी बढ़ा है। बढ़ती मांग के कारण इसने सभी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है। इसी तरह की जानकारी के लिए जुड़े रहिए डायनेमिक एज के साथ। सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आपको हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। और हाँ, लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद। थैंक यू।